हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मनिया। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर माय वीडियोस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री जो हम आधा किए थे हमारे वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्ट द एंगल्स इन पाई फॉर्म। तो कौन कौन सा एंगल है वो जो हमने पार्ट 6 वीडियो में कर रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले कौन सा एंगल होता है 0 डिग्री, फिर कौन सा होता है 30 डिग्री, फिर होता है हमारा 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, फिर लास्ट वन होता है हमारा क्या 90 डिग्री। तो ये सारा जो है ये हम किस में पढ़े हैं, वो जो टेबल फॉर्म में था, सारे में जो टेबल फॉर्म में था उसमें ये सब हम पढ़ चुके हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सारा एंगल हम पढ़ चुके हैं। तो 0 डिग्री को हम पाई में कैसे डिनोट करेंगे और ये सारा एंगल को कैसे पाई में डिनोट करेंगे आज हम वो सीखेंगे। तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू कितना पाई होता है, 2 पाई होता है। तो सिर्फ पाई का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ पाई का वैल्यू होगा 360 डिग्री बाय 2। तो पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। तो पाई का मतलब कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया है 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री क्या है वो 180 डिग्री का हाफ है। तो 180 डिग्री बाय 2 होने से क्या होता है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा पाई बाय 2, पाई बाय 2 ये हो जाएगा इसका वैल्यू पाई फॉर्म में हो गया। अभी हम 60 डिग्री का देखते हैं, नहीं अभी 45 देख देते हैं ज्यादा इजी होगा क्योंकि 90 का हाफ होता है 45। तो 90 का हाफ हो गया कितना 45 हो गया, 45 डिग्री। तो ये जो है यहाँ पे कैसे होगा देखते हैं हम, पाई बाय 2 जो है तो इसमें अगर डिनोमिनेटर में 2 इंटू हो गया तो कितना हो जाएगा पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई बाय 4 निकल गया इसका ही वैल्यू। अभी हम किसका वैल्यू देखेंगे, अभी ये सारा जो एंगल है 0 डिग्री का तो कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, उसका 0 ही हो जाएगा। तो उसको पहले लिख देते हैं 0 डिग्री का तो 0 ही होगा 0 डिग्री। फिर अभी ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो 30 डिग्री का क्या होगा, 30 डिग्री का जो पाई है, पाई मतलब कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो पाई बाय सिक्स होगा अगर तो कैसे होगा, पाई बाय सिक्स अगर होगा तो वो भी 180 डिग्री से 6 में डिवाइड होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर 6 में डिवाइड होगा तो कितना डिग्री होगा, यहाँ पे हो गया 30 हो गया, 30 हो गया तो 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो हुआ इसका वैल्यू क्या है पाई बाय सिक्स। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, पाई बाय सिक्स हो गया किसका 30 डिग्री का वैल्यू। अभी हमें किसका बचा सिर्फ 60 का निकालना है। तो 60 का हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, 30 डिग्री इंटू 2 होगा तो कितना होगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो पाई का जो ये फॉर्म है इसमें अगर 2 इंटू हो गया तो 60 का हमारा निकल जाएगा, इंटू नहीं होगा अगर डिवाइड होगा तो निकलेगा, इंटू हो जाने से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पाई बाय सिक्स इक्वल टू कितना है हमारा 30 डिग्री। तो अगर यहाँ पे पाई बाय 3 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री हो गया। कैसे होता है कि यहाँ पे अगर इंटू 2 हुआ तो यहाँ पे हमें डिवाइड 2 करना पड़ता है, डिवाइड 2 करना पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम इसको निकाल दिए, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाय 3। तो ये सारा एंगल अभी पाई फॉर्म में हमारा निकल गया। पहले जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे हम एक अभी नंबर करेंगे, वो क्या है देखते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू क्या होगा, उसका आंसर हमें बताना है। तो हमें पता है पाई बाय 6 होने से क्या होता है 30 डिग्री होता है, पाई बाय 3 होने से क्या होता है 60 डिग्री, एंड पाई बाय 4 होने से होता है हमारा 90 डिग्री। तो इसके बेसिस में हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर यहाँ पे कितना डिग्री होगा 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे कितना डिग्री होगा 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर यहाँ पे होगा
45 डिग्री हो गया। अभी हम इसको इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इससे होगा साइन 30 डिग्री का हमें वैल्यू पता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 है, और यहाँ पे क्या बोला है, साइन स्क्वायर बोला है, तो इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस का 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस का 60 डिग्री का वैल्यू होता है अभी 1/2, 1/2 का फिर स्क्वायर माइनस टेन का 45 डिग्री, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है 1, तो उसका भी स्क्वायर हो गया। अभी हम इसको करते हैं, इसका स्क्वायर होने से कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अभी जो ये है इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1+1, यहाँ पे रह जाएगा -1 यहाँ पे ब्रैकेट में, तो ये हमें पहले करना है, तो 2/4 हो गया यहाँ पे -1, ये दोनों अगर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1/2 माइनस 1 है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो गया, 2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 2, इस साइड 2 1 के साथ इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 माइनस 2 कितना होता है -1/2, ये हो गया इसका वैल्यू। ये जो नंबर है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू इसका फिर वैल्यू होगा क्या -1/2 हो गया। इसके साथ हमारे वीडियो को करते हैं एंड, हमारा आगे का वीडियो आता रहेगा, आप लोग प्लीज देखते रहना, लाइक करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और हमारे वीडियोज को बहुत सारा शेयर भी करते रहना। तब के लिए बाय बाय।